हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सब्जेक्ट मैथ और क्लास थर्ड. एज यू कैन सी दैट आई हैव ओपन द बुक ऑफ मैथ सब्जेक्ट इन विच क्लास इज 3. सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, सो यू हैव टू ओपन योर बुक सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल विच आई विल टीच इन दिस वीडियो. सो कंटिन्यू स्टूडेंट्स, इन माई लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट एक्सरसाइज नंबर 3.1 एंड वी हैव कम्प्लीटेड ऑल्सो एक्सरसाइज नंबर 3.1 एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 3.2. ओके स्टूडेंट्स, आज हम 3.2 एक्सरसाइज को कम्प्लीट करेंगे. जैसे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स, यानी यहाँ पर हमें निम्नलिखित प्रश्नों को क्या करना है, सरल करना है. ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे 4-डिजिट नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, यानी यहाँ पर ये दोनों नंबर्स हमारे 4-डिजिट नंबर हैं. तो इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है. ऐड का साइन लगा हुआ है. ठीक, ऐसे ही बच्चों ये सारे क्वेश्चन हैं हमारे 4-डिजिट नंबर हैं जिनको हम ऐड करेंगे. चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स. यहाँ बच्चों मैं आपको यहाँ अपनी नोटबुक में यहाँ स्टार्ट करा रहा हूँ, सब बच्चों को ध्यानपूर्वक देखना है. इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग सम्स. ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर ए है हमारा 1,100, 10, 1, 6, 4, 9, 4, 6, 5, 3. क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे. मैंने प्लस का साइन राइट कर दिया है स्टूडेंट्स. चलिए बच्चों ऐड करते हैं. तो जो सबसे पहले हमें ऐड करना है, जो वन स्पेस डिजिट है 9 और 3 को ऐड करेंगे आपस में. बताइए 9 और 3 कितने होते हैं, तो जो 9 और 3 होते हैं हमारे 12 होते हैं. तो 12 का क्या राइट करेंगे स्टूडेंट्स, 12 का 2 राइट करेंगे और 1 हमारा इधर क्या लग जाएगा, कैरी लग जाएगा. ठीक है, अब बच्चों 4 और 5 को ऐड करेंगे, तो 5 4 कितने होते हैं, 5 4 हमारे 9 होते हैं और 9 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा. तो 10 का राइट करेंगे 0 और 1 हमारा कैरी हो जाएगा. उसके बाद 6 और 6 कितने हुए, 6 और 6 होते हैं 12 और 1 हमारा कैरी है तो हो जाएंगे 13. तो 13 का 3 राइट करेंगे, 1 कैरी हो जाएगा. 1 4 होते हैं 5 और 1 कैरी है 6. सो स्टूडेंट्स, आवर आंसर इज 6302. व्हाट इज आवर आंसर, 6302. ओके, इट्स वेरी इजी. चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर बी पर. तो क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, पहले मैं इसके प्लेसेस राइट कर लेता हूँ. ठीक है, 1,100, 10, 1. सो फर्स्ट नंबर इज स्टूडेंट्स 2,369 एंड द सेकेंड 5,887. ऐड कर देंगे इनको, और जो 9, 7 कितने होते हैं, 9 और 7, तो 9, 7 होते हैं 16. 16 का क्या राइट करेंगे, 6 राइट करेंगे, 1 कैरी हो जाएगा. 6 और 8 होते हैं स्टूडेंट्स 14. 14 और 1 15 का 5 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा. 8 और 3 होते हैं 11 और 1 12. 12 का 2 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा. 5 2 होते हैं 7 और 1 8. सो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर क्या है इसमें, 8,256. व्हाट इज आवर आंसर, 8,256. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं इसका. जो क्वेश्चन नंबर सी है हमारा, क्वेश्चन नंबर सी है 1,539 को करेंगे ऐड. चलिए स्टूडेंट्स ऐड कर लेता हूँ मैं.
ठीक है। सो 9 और 9 कितने होते हैं, 9 और 9 होते हैं 18, तो 18 का क्या राइट करेंगे, 8, ठीक है। 1 कैरी यहाँ पर हो जाएगा। 3 में 0 को ऐड करेंगे तो 3 रहेगा, और 1 हमारा कैरी है तो कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। 5 और 7 कितने होते हैं बच्चों, 5 7 होते हैं हमारे 12 और 1, यस 7 5 12, तो 12 का क्या राइट करेंगे, 2, और 1 कैरी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो 1 4 होते हैं स्टूडेंट्स 5 और 1 6, आंसर हो गया 6248। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर डी को लेकर। अच्छा क्वेश्चन नंबर डी है हमारा, क्वेश्चन नंबर डी है मैं प्लेसेस राइट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर डी है, इसमें फर्स्ट नंबर है 3777 में ऐड करेंगे 5666, इसको हमें ऐड करना है। तो जो 7 और 6 को ऐड कर लें पहले, 7 और 6 कितने होते हैं, 7 और 6 होते हैं हमारे कितने होते हैं 13, तो 13 का 3 राइट करेंगे, 1 हमारे कैरी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 7 और 6 फिर से दिया हमको, तो 7 6 कितने होते हैं 13 होते हैं, और 1 कैरी है तो हो गया 14, 14 का 4, 1 कैरी हो जाएगा। 7 6 13 होते हैं, 13 और 1 कैरी है तो 14 हो जाएगा, 14 का 4, 1 कैरी यहाँ हो गया। 5 3 8 होते हैं और 1 9, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा आंसर है 9443, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर, क्वेश्चन नंबर ई है हमारा, क्वेश्चन नंबर ई है स्टूडेंट्स, थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी एट एंड फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी फाइव प्लस ऐड कर लेंगे इसको, ठीक है। तो बताइए बच्चों 8 और 5 कितने होते हैं, 8 5 होते हैं 13, तो 13 का 3 और 1 हमारा क्या हो गया, कैरी हो गया, ठीक है। 8 5 13, 13 का 3 और 1 हो गया हमारा कैरी। अब ऐड करेंगे 6 और 9 को, तो 6 और 9 कितने होते हैं स्टूडेंट, 6 और 9 15 होते हैं, ठीक है। 15 में 1 ऐड करेंगे तो 15 और 1 हो जाएंगे 16, तो 16 का 6 फिर से 1 कैरी हो गया। अब 5 और 8 को ऐड करना है, तो 5 8 होते हैं हमारे 13, 13 और 1 कैरी है तो 14 हो गया, 14 का 4 यहाँ 1 कैरी हो गया। और 5 और 3 स्टूडेंट्स 8 होते हैं और 1 कैरी है तो हो गया यहाँ पर 9। तो जो हमारा आंसर हो गया 9463, क्या हो गया हमारा आंसर 9463, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एफ पर, डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एफ है हमारा, टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटी सेवन, उसके बाद 4769, इसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमें 7 और 9 को ऐड करना है, तो 7 9 कितने होते हैं, 7 9 होते हैं स्टूडेंट 16, तो 16 का क्या राइट करेंगे, 6 राइट करेंगे और 1 हमारा कैरी हो जाएगा। और 8 और 6 ऐड करेंगे अब, तो बच्चों 8 और 6 कितने होते हैं, 8 और 6 होते हैं हमारे 14, 14 और 1 कैरी है तो 15 का 5, 1 कैरी, 7 5 हो गए हमारे 12, ठीक है। 7 5 12 होते हैं और 1 13, 13 का 3, 1 कैरी हो जाएगा। 4 2 होते हैं हमारे 6 और 1 7। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर आंसर आया है 7356, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1। सो स्टूडेंट्स वी हैव कम्प्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीट कर लिया है,
एक्सरसाइज 3.2 का, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.2 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा चुका हूँ यहाँ पर। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा मैं आपके लिए इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।